दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है पुरानी पेंशन को लेकर। जी आज तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज पेंशन जय घोष महारैली आयोजित की गई थी रामलीला मैदान में। जी आज तो दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन जय घोष महारैली का आयोजन आज किया गया था। ऐसे में दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी पुरानी पेंशन को लेकर आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी, उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी अब एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 3 रैलियां हो चुकी है। अब इस कड़ी में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले पेंशन जय घोष महारैली आयोजित की गई। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के अलावा विभिन्न निगमों, बोर्ड एवं स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा कि सरकार को 2024 में पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। जी हां दोस्तों, डॉक्टर मंजीत पटेल के मुताबिक पेंशन जय घोष महारैली एक निर्णायक रैली साबित होगी। एनपीएस कर्मचारियों की एक ही मांग है कि देश में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। केंद्र सरकार जिस एनपीएस स्कीम को आगे कर रही है उसमें सुरक्षा का कोई भाव नहीं है। इसके अलावा यह योजना गारंटी कृत भी नहीं है। एनपीएस तो बाजार पर आधारित एक स्कीम है, बाजार की स्थिति से सभी अवगत है। इसमें डीए और डीआर के अनुपात में बढ़ोतरी भी नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों पेंशन जय घोष महारैली के जरिए सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि पहले वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि सरकार को कर्मचारियों की यह मांग पूरी करनी पड़ेगी। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। पेंशन व्यवस्था में कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों के आंदोलन के चलते सरकार दबाव में आ चुकी है। संभव है कि 2024 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू हो जाएगी। देश में लगभग 85 लाख कर्मचारी एनपीएस में शामिल है। इसमें से 30 लाख कर्मचारी सरकार के कर्मचारी हैं, बाकी संख्या राज्य सरकारों के कर्मचारियों की है। और डॉक्टर मंजीत पटेल, उन्हें उम्मीद है कि सरकार केंद्र सरकार नए वर्ष में पुरानी पेंशन की सौगात देने जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पहली रैली हुई थी। अब दोस्तों आज पेंशन जय घोष महारैली का आयोजन किया गया है, और ऐसे में देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होती है लोकसभा चुनाव के पहले पहले, तो केंद्र सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर पे बढ़ चुकी है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में सभी सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। इसके लिए वोटिंग भी हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों 99% कर्मचारी हड़ताल पे जाने के इच्छुक हैं अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होती है। तो आज डिसाइड किया गया कि अगर देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार बहाल नहीं करती है तो सभी सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे।